नमस्कार दोस्तों, ये है धराड़ मेरी जान यूट्यूब चैनल और मैं हूँ धर्मराज डाबला। एक बार फिर मैं आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम अभी सुबह 6:30 बजे भादवी माता निकल रहे हैं। यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर भादवी माता मंदिर आएगा और अभी बारिश हो गई है और कुछ कुछ छींटे अभी आ रहे हैं। हम बाइक से भादवी माता मंदिर पहुँच रहे हैं, जहाँ का मैं हो सकेगा तो आरती अगर नहीं हुई होगी तो मैं आरती का वीडियो भी आपको पोस्ट करूंगा। बस कुछ ही दूरी पर भादवी माता मंदिर आएगा और उसके बाद में हम आगे की यात्रा करेंगे। हम पहले दिन रतलाम से निकले थे तो 4 लेन से हम पहले भादवी माता मंदिर दर्शन करेंगे और उसके बाद में फिर आगे की यात्रा करेंगे। मैं आपको सभी वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मेरा एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल पे बने रहें। और ये भादवी माता मंदिर पहुंच चुके हैं हम। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये गेट है, भादवी माता मंदिर के पहले आता है और हमारी बाइक पार्किंग करेंगे, उसके बाद में फिर दर्शन के लिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगती हैं और अगर आप हाफ सीजन में भी यहाँ घूमने आएंगे तो भीड़ रहती है यहाँ पे। और यहाँ पे 20 रुपये में अच्छे से अच्छे सामान आप खरीद सकते हैं बच्चों के लिए। और इस समय ज़्यादा भीड़ है यात्रियों की, क्योंकि रामदेवरा दर्शन करने वाले लोगों की ज़्यादा भीड़ है। तो हम सुबह यहाँ 6:30 बजे पहुँच गए हैं और हम थोड़ी आगे और ले लेते हैं बाइक को। और सुलभ शौचालय के पास में पार्किंग है, आगे पार्किंग है, वहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करेंगे। और फिर 200 मीटर दूरी पर मंदिर है और वहाँ हम दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर जगह अच्छी है, यहाँ पे हम गाड़ी को पार्क कर देते हैं और फिर हम यहाँ भादवी माता मंदिर पहुँच चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे, रामदेवरा जाने वाले भक्तों की ज़्यादा भीड़ है। दुकानें सजी हुई है यहाँ पे सामानों की, पार्किंग है ये, आपको पीछे भी दिखा सकता हूँ, बहुत सारे यात्री आ रहे हैं। हमने उधर पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है। ये मुख्य और आखिरी प्रवेश द्वार, महिला प्रवेश द्वार अलग है, पुरुष प्रवेश द्वार अलग है। अगर आप प्रसादी वगैरह यहाँ से आप खरीद कर सकते हैं और प्रसादी खरीद करके माता जी के मंदिर पे ले जा सकते हैं। यहाँ पे जूते चप्पल निकाल सकते हो, उसके बाद में फिर यहाँ पर प्रवेश द्वार यहाँ से हम अंदर चलेंगे। बहुत भीड़ हो रही है, लाइन यहीं से लगी हुई है, मंदिर वो उस साइड में है। दोस्तों, ये भादवी माता मंदिर, यहाँ हम पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर बाद हम दर्शन करेंगे। दर्शनों की लाइन बहुत ज़्यादा लगी हुई है, इसलिए हम थोड़ी देर बाद लाइन में लगेंगे। ये भव्य मंदिर यहाँ पर, इस साइड भी दुकानें लगी हुई है। ये भादवी माता मंदिर के पास में एक कुंड है, अगर यहाँ पर आरती नहीं हुई होगी तो मैं आपको आरती का वीडियो भी दिखा दूँगा। पहले ये यहाँ पर कुंड है, यहाँ कुंड बावड़ी, ये अमृत बावड़ी दोस्तों, अमृत बावड़ी, ये देखो ये अमृत बावड़ी है। यहाँ पर अंदर बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, लोग पैसे डालते हैं इसके अंदर, वो भाई साहब डाल रहे हैं सिक्के। अमृत बावड़ी है ये, जस्ट मंदिर के पास में ही है। शायद आरती होने वाली है तो अब हम चाहेंगे कि हम आरती में सम्मिलित हो जाए।
ये भीड़ है, सुबह 6:30 बज रहे हैं और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। हमारे साथीगण लाइन में लगे हुए हैं, ये बहुत लाइन में कांतिलाल जी और मेहमान दोस्तों। ये भाजी माता मंदिर, उस तरफ माता जी विराजमान है, आरती होने वाली है कुछ देर बाद। अगर आरती होगी तो हम उसका वीडियो ज़रूर आपको दिखाएंगे दोस्तों, और अगर आरती हो गई होगी तो फिर अभी लोड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ 6:30 बजे तो पहुँच गए हैं, लेकिन आरती हुई है या नहीं ये हमें अभी पता नहीं है। बहुत भीड़ है यहाँ पर लोग, ये देख लीजिएगा लोग लाइन में लगे हुए हैं। अगर भादी माता मंदिर पर आरती होगी तो हम ज़रूर वीडियो लोड करेंगे दोस्तों। अभी हम यहाँ मंदिर पर हैं, देख लीजिएगा आप, पीछे हमारे मंदिर है दोस्तों। ये भादी माता विराजमान है, उस वो गेट, चैनल गेट जो दिखाई दे रहा है आपको उस साइड। दोस्तों हम पहली रात रेवली देवली हनुमान मंदिर, जो कि भादी माता मंदिर आते हैं, उस रोड पर है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है भादी माता से, वहाँ पे हम रुके थे। वहाँ से फिर दूसरे दिन हम भादी माता दर्शन करने आए हैं और अब आगे की यात्रा हम करेंगे, उसका वीडियो भी आपको जल्दी ही अपलोड करेंगे दोस्तों। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हम आपको रामदेवरा यात्रा का पूरा वीडियो दिखाएंगे दोस्तों। ये है धराड़ मेरी जान यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है, और पुनः आपको धन्यवाद देते हैं कि आप लगातार ये वीडियो देख रहे हैं। जय माता दी। भादी माता मंदिर पर माता जी के दर्शन बहुत अच्छी तरीके से कर लिए हैं, बहुत आराम से जल्दी दर्शन भी हो गए। अब हम हमारी बाइक के पास में जा रहे हैं, हम आगे चित्तौड़गढ़ की ओर निकलेंगे। अब थोड़ी बहुत नाश्ता कर लेते हैं और चाय पी लेते हैं दोस्तों, और उसके बाद में हम आगे निकलेंगे। पहले तो हमारे साथियों को हमें ढूँढना पड़ेगा वो किधर रह गए हैं, और फिर हम निकलेंगे यहाँ से। और यहाँ पर 20 रुपये में बहुत अच्छा अच्छा आइटम मिल जाते हैं, 20 रुपये नग में अच्छा से अच्छा आइटम आप खरीद सकते हैं बच्चों के लिए दोस्तों।